अब हम देखते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो इसका क्या ब्लॉक डायग्राम है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर होता है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8। तो हमें कितने इनपुट्स बनाने पड़ेंगे, 8। ये 8 इनपुट्स हो गए, ठीक है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, 6, I7, ठीक है, और सिंगल आउटपुट Y, ठीक है। अब हमें बनाने सेलेक्ट लाइंस, तो सेलेक्ट लाइंस का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power m इक्वल्स टू n। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, n है नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं हमारे पास, 8। तो 2 to the power m किसके इक्वल हो गया, 8 के। 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, ठीक है। तो 2 to the power m इक्वल्स टू 2 to the power 3 हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो कितनी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बनानी पड़ेंगी हमें, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइंस बना लो, S0, S1, S2, ठीक है। तो ये हो गया 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन टेबल, कैसे फंक्शन करेगा ये। ठीक है, इसे आप ट्रुथ टेबल भी कह सकते हो। अब इसमें कितने सेलेक्ट इनपुट्स हैं, 3, और आउटपुट हो गया हमारे पास Y, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी इनपुट की, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, 8 पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो 8 में से 4 टाइम्स ये 0 रहेगा, और 4 टाइम्स इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। उसी तरह इसकी लिख लो, ऐसे इसकी लिख लो, ठीक है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ होगी ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब y आउटपुट, जब इन तीनों की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट में मिलेगा हमें I0, ठीक है। जब ये वैल्यू होगी तो आउटपुट में मिलेगा हमें I1, ठीक है। उसी तरह ये होगी तो I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ठीक है। तो अगर सेलेक्ट इनपुट्स पे ये इनपुट है तो आउटपुट पे हमें क्या इनपुट मिलेगा, I0, ठीक है। अगर ये इनपुट्स है सेलेक्ट लाइंस पे तो आउटपुट पे हमें I1 मिलेगा। उसी तरह ये होंगे तो I2, I3, I4 टिल I7 तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से 8:1 मल्टीप्लेक्सर फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन होगी SOP फॉर्म में, ठीक है। तो अगर 0 होगा, तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 होगी तो उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अगर मतलब S0 की वैल्यू 0 है तो हम S0 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अगर S1 की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अगर उसकी 1 है तो उसे एज इट इज़ लिख लोगे, ठीक है, SOP फॉर्म में। तो अब Y इक्वल्स टू आउटपुट इक्वल्स टू S2, S1, S0, I0, ठीक है। I0 हमें कब आउटपुट मिल रहा था, जब इन तीनों की वैल्यू 0 थी, जब इन तीनों की क्या वैल्यू 0 थी, तब आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था, I0। तो जब हम 0 वेरिएबल की वैल्यू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, I0 फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस सेकंड S2, S1, S0। I1 हमें कब मिल रहा था, जब इन दोनों की वैल्यू 0 है और इसकी 1 है, तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट हो गए, इसकी एज इट इज़ वेरिएबल लिख लो और I1, ठीक है। प्लस S2, S1, S0, I2। I2 कब मिल रहा था, जब S2 और S0 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। प्लस ऐसी सारे टर्म्स लिख लोगे आप, I3 हमें मिल रहा था जब S2 की वैल्यू 0 थी, प्लस I4 कब मिल रहा था, जब इन दोनों की वैल्यू 0 थी, प्लस S2, S1, S0, I5 हमें मिल रहा था जब S1 की वैल्यू 0 थी, प्लस S2, S1, S0, I6 मिल रहा था जब S0 की वैल्यू 0 है, प्लस I7 में तीनों की वैल्यू 1 थी, तो इसे एज इट इज़ लिख लोगे, आउटपुट पर मिल जाएगा हमें I7। तो यह है लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 8:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम। देखो अब हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं,
कितनी टर्म्स आ गई थी लॉजिक एक्सप्रेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स आ गई थी। तो हमें कितने एंड गेट, कितने गेट यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पर, 8 गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा गेट यूज़ हो रखा है, प्रोडक्ट हो रखा है, तो कौन सा गेट यूज़ हो रखा है, एंड गेट। और यहाँ पर सम कर रखा है तो और गेट, तो हम यूजिंग एंड एंड और गेट लॉजिक सर्किट बनाएंगे इसका। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर एंड गेट यूज़ करोगे। अब हम यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 एंड गेट्स यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट्स क्या हैं एक एंड गेट के लिए, 1 2 3 4 4 इनपुट्स हैं, तो हमने 4 इनपुट एंड गेट यूज़ किए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट गेट के लिए एस टू की वैल्यू इन्वर्टेड वैल्यू है इन तीनों की, और आउटपुट और एक इनपुट क्या है, I0। ठीक है, तो फर्स्ट एंड गेट के लिए यहाँ पर हो गया एस टू का कॉम्प्लीमेंट। देखो अब यहाँ पर हमें मिल रही है एस ज़ीरो की वैल्यू इस लाइन पे, और हमने यहाँ पर इन्वर्ट करके एंड गेट लगा के नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू दे रखी है। उसी तरह एस वन की वैल्यू इस लाइन पे मिल रही है और इन्वर्ट होके नेक्स्ट लाइन पे मिल रही है। ऐसी एस टू की वैल्यू ये रही और इन्वर्ट होके नेक्स्ट लाइन पे मिल रही है। ठीक है, तो अब इस गेट को इनपुट देना है, क्या इनपुट देना है, एस टू का कॉम्प्लीमेंट, एस वन का और एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एस टू का कॉम्प्लीमेंट देखो कहाँ मिल रहा है, एस टू ये रही ये लाइन, अब इसका कॉम्प्लीमेंट है इस नेक्स्ट लाइन पे इन्वर्ट हो गए, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया एस टू से इसके एक इनपुट से। ठीक है, उसी तरह एस वन का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा है यहाँ से इस लाइन से, तो हमने ये कनेक्ट कर दिया एस वन से, और फिर एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिल रहा है, तो एस ज़ीरो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और फर्स्ट इनपुट हो गया इसका I0, मतलब नेक्स्ट इनपुट हो गया इसका I0। तो ये 4 इनपुट्स हो गए, तो आउटपुट पे हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी, ये वाली टर्म मिल जाएगी एंड ओके। ठीक है, यहाँ पर मिल गई। ऐसी हम सारे गेट्स में कर लेंगे। ठीक है, सारे हमने इसके इनपुट कनेक्ट कर लेंगे, जैसे लॉजिक एक्सप्रेशन थी इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं आपस में ऐड हो रखी हैं, तो हम इसे यूजिंग और गेट पे इनपुट देंगे। ठीक है, इन सबको और गेट पे देंगे, और गेट के इनपुट पे ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो आउटपुट पे हमें वाई मिल जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या थी, इन सब का एडिशन, तो इन सब का हमें एडिशन होके हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो ये था लॉजिक सर्किट फॉर 8:1 मल्टीप्लेक्सर।